वेलकम नमस्ते सा श्रीकाल वेलकम बैक टू योर ऑन यूट चैनल मैं मैम साइमो द पिज्जा द दिन चैनल कैसे हो आप लोग दोस्तों आज का वीडियो ओ आई सी के ऊपर होने वाला है इंडिया पाकिस्तान बेसिकली इस्लामाबाद में एक मीटिंग रखी गई है जिसमें इस्लाम फोबिया के ऊपर बात की जाएगी नसुभ कश्मीर के ऊपर बात की जाने वाली है तो इससे रिलेटेड हम वीडियो देखेंगे वर्ल्ड अफेयर की देखते हैं कि प्रशांत सर क्या कहते हैं तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि उनकी बात तो क्या वो कह रहे हैं आ, तो बिना देर के चलते हैं वीडियो की तरफ रेक करते हैं स्टार्ट नमस्कार आई वेलकम टू तो वर्ल्ड प्रशांत धवन नाउ कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कि पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो 57 सेवन इस्लामिक कंट्रीज की एक कॉन्फ्रेंस होनी है इस्लामाबाद में यहाँ पर कश्मीर को भारत से तोड़ने वाला जो एक ग्रुप है हुरियत कॉन्फ्रेंस इनके लोगों को पाकिस्तान बुलाएगा इस्लामाबाद में और इन सब इस्लामिक कंट्रीज के सामने ये लोग एंटी इंडिया बात करेंगे इंडिया को तोड़ने की बात करेंगे अब इंटरेस्टिंग बात देखिए पाकिस्तान का जो प्लान था ये एंटी इंडिया इस्लामिक कॉन्फ्रेंस करने का ये बुरी तरीके से फेल होता हुआ दिख रहा है रीजन क्या है रीज़न देखिए यह पहली बात तो कई जो विदेश मंत्री हैं ओ के ये मोस्ट प्रॉबली पाकिस्तान की मीटिंग को अटेंड ही नहीं करेंगे और ना अटेंड करने का भी रीजन ये है के पाकिस्तान में जो ऑपोजिशन पार्टीज है जो यहाँ पर विपक्ष के दल है बहुत सारे इन्होंने ओपनली कह दिया है कि इमरान खान अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द पाकिस्तान के पार्लियामेंट में नो ट्रस्ट रेजोल्यूशन टेबल होना चाहिए अगर ये टेबल नहीं होता 22 मार्च तक तो ये लोग ओ की जो मीटिंग है इसको डिसरप्ट कर देंगे ओ की मीटिंग पाकिस्तान में नहीं होने देंगे ना इस वीडियो में हम समझेंगे कि पाकिस्तान में इंटरनली क्या हो रहा है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ही इमरान खान को ये सब देखते हुए क्यों कहा है कि खुद ही रिज़ाइन कर लो नहीं तो बहुत ज़्यादा आपकी इमेज को चोट पहुँचेगी ना पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जिस तरीके से हमारे देश में होता है लोकसभा लोअर हाउस उसी तरीके से पाकिस्तान का जो लोकसभा है इसको ये लोग कहते हैं नेशनल असेंबली तो जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है यहाँ पे आपको मिलेगी 342 सीट्स और इन 342 सीट्स में से 172 लाना काफी इंपॉर्टेंट है सरकार चलाने के लिए इमरान खान अब तक दावा करते थे कि इनकी खुद की पार्टी के पास है 155 सीट और कुछ छोटे दलों के गठबंधन के साथ ये 176 सीट्स के साथ सरकार चला रहे हैं पाकिस्तान में पाकिस्तान के पीएम बने हुए हैं अब रिसेंटली क्या हुआ है जो बहुत सारी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज इमरान खान को सपोर्ट दे रही थी इन्होंने अपनी सपोर्ट वापस लेने की बात करी है और तो और इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही जो कई इनके मेंबर थे जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ये भी कह रहे हैं कि ये लोग इमरान खान का सपोर्ट नहीं करते दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जिनके पास 162 सीट्स हैं ये सब इकट्ठा हो चुकी हैं और ये कह रही है कि एक बार को इमरान खान को हम गिर देंगे क्योंकि पब्लिक में इमरान खान बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो चुके हैं और देखिए इसका रीज़न भी है रीज़न यहाँ पर आपको समझना होगा कि क्यों इमरान खान की खुद की पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो टूट रहे हैं इस पॉलिटिकल पार्टी से अपोजिशन इकट्ठा हो रहा है पाकिस्तान आज के समय फेस कर रहा है बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन इमरान खान ने जो वादे किए थे कि जब ये पावर में आएंगे इतनी जॉब्स क्रिएट करेंगे लोगों की लाइफ इंप्रूव करेंगे ऐसा कुछ भी इमरान खान नहीं कर पाए उल्टा हुआ यहाँ पर क्या है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंक और ज़रा बदतर हुई है फिर देखिए इमरान खान क्या एक फॉर्मूला था अपनी सरकार चलाने का अपने लोगों का सपोर्ट मेंटेन करके रखने का वो था कि इंडिया के अगेंस्ट लगातार बोलते रहो आप देखोगे इमरान खान ने अपने पूरे टेन्योर में पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया इनका सिंपल फोकस था इंडिया पे कि एंटी इंडिया बातें करो इंडिया के अगेंस्ट जो नफरत है पाकिस्तान में इसको और जरा बढ़ाओ Now, ये जो फॉर्मूला है कुछ समय के लिए पाकिस्तान में काम किया मगर इवेंचुअली आदमी बात करता है दाल रोटी की बेसिक नीड्स की तो वहां पर सेंस इमरान खान बुरी तरीके से फेल कर रहे हैं तो ऑपरेशन पार्टी इकट्ठा हो रही है और ये सब मान के चल रहे हैं कि आराम से ये सब मिलकर वन का आंकड़ा लेंगे और इमरान खान पावर में नहीं रहने वाले अब यहाँ पर आता है नो कॉन्फिडेंस वोट नो कॉन्फिडेंस वोट देखिए हर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपको मिलेगा ये बस एक सिंपल प्रोसेस होता है चेक करने का कि देश का अभी के लिए जो पीएम है क्या इसके पास मेजोरिटी अभी भी है सरकार चलाने की इसने इलेक्शन तो जीता था ढाई तीन साल पहले अगला इलेक्शन होना है दो साल बाद मगर क्या अभी भी प्राइम मिनिस्टर के पास प्रॉपर मेजोरिटी है क्या इनके गठबंधन में बाकी पॉलिटिकल पार्टी इनको आज भी सपोर्ट करती है तो इसके लिए पाकिस्तान में होने वाला है एक बहुत ही बड़ा वोट इनके पार्लियामेंट में अब इमरान खान क्या कोशिश कर रहे हैं की जो ये नो कॉन्फिडेंस वोट है जितना डिले हो सके उतना डिले हो जाए बाईस मार्च को ये नो कॉन्फिडेंस वोट ना हो और ये इमरान खान कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें की जा रही है फॉर एग्जाम्पल जो स्पीकर है लोअर हाउस में वो काफ़ी हद तक प्रो इमरान खान है तो उसने खुद ही कहा है कि आराम से ये लोग नो कॉन्फिडेंस वोट करेंगे सत्ताईस या फिर अट्ठाईस के आसपास तो अभी के लिए पाकिस्तान में इशू यही चल रहा है ऑपोजिशन पार्टीज़ कह रही है कि जल्दी से 22 तारीख को करो नो कॉन्फिडेंस वोट के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग चेक करो कि इमरान खान के पास प्रॉपर मेजोरिटी है नहीं हम सब वोट करेंगे ऑब्वियसली उस वोट में इमरान खान फेल कर जाएंगे इनको 172 वोट नहीं मिलने वाले और इमरान खान पार्लियामेंट में ही वहाँ पर उसी वक्त पी की कुर्सी गवा देंगे अब ये सब ना हो ऐसी एम्बरिसमेंट इमरान खान की ना हो ये सब देखते हुए आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के इन्होंने रिसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान खान को यह कहा है कि आप खुद ही रिजाइन कर दो आफ्टर दी ओआईसी कॉन्फ्रेंस नो ट्रस्ट वोट हार के आपको अगर बाहर किया जाएगा तो आपका काफी इससे मतलब इमेज खराब हो जाएगी तो इससे आप ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की कितनी इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो सिंस पाकिस्तान में इंटरनली इतने ज्यादा बन रहे हैं ये जो ओआईसी की मीटिंग होनी थी 21 और 22 तारीख को अब लगता नहीं है कि बहुत से देशों के विदेश मंत्री इस मीटिंग को अटेंड भी करने वाले हैं कुछ संकेत रिसेंटली मिले भी हैं फॉर एग्जाम्पल मोरक्को मोरक्को एक इस्लामिक कंट्री है मोरक्को के विदेश मंत्री मोस्ट प्रोबली स्किप कर देंगे पाकिस्तान की मीटिंग को उसके अलावा इंडोनेशिया द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री ऑन द इस देश के विदेश मंत्री भी हो सकता है कि स्किप कर दे पाकिस्तान की उसके जो सिंपली पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के इस इंटरनल से दूर रहना चाहते हैं फिर देखिए एक बात यहाँ पर यह भी आती है ओ कंट्रीज को भी काफी अजीब लगता है कि पाकिस्तान लगातार बार बार इतना बड़ा जो देश है इंडिया इनके साथ रिलेशन खराब करने के लिए कश्मीर का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं ओ में ओ कंट्रीज भी सिंपली पाकिस्तान को यही कहती हैं कि देखिए डिस्प्यूट दुनिया के हर देश में होते हैं आपको आज के आज ही सब कुछ क्यों करना है आज के आज ही आप चाहते हो कि इंडिया पे प्रेशर डाला जाए जो आप कह रहे हो चीजें वो सब हो जाएं। अभी के लिए जो स्टेटस है एल का उसको मेंटेन करते हुए आप धीरे धीरे रिलेशन इंप्रूव करो इंडिया के साथ और तरीके से रिलेशन नॉर्मलाइज करो फिर धीरे धीरे आपस में बैठ कर ये इमरान तो खान जो ये वर्ड यूज करते हैं काफी बार मुस्लिम उम्मा जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये पाकिस्तान के पीछे यूनाइटेड नहीं खड़ी आज के समय और अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि जैसे ही ये फेल्ड कॉन्फ्रेंस खत्म होगी कॉन्फ्रेंस तो कैसे थोड़ी बहुत ये कर लेंगे कुछ उससे ज्यादा निष्कर्ष निकल के आने नहीं वाला

जो लोग सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी जो कमेंट है उसको हार्ड दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है एंड फाइनली आप मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एस बैंक सीरा जाओ कॉमेंट सेक्शन में फॉर एक्जाम्पल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जामिनेशन क्लिक ऑन बैंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस जो अनअकेडमी का आइकॉनिक कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं फॉर एग्जाम्पल थ्री नाइन्टी रुपीज पर मंथ ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है सिंपली यूज करिए कोड पीडी टेन एंड द प्राइसेज स्टार्ट फॉलोइंग एंड फॉर जस्ट थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी वन रुपीज पर मंथ आप दो साल तक प्रेपरेशन कर सकते हैं बैंक एग्जाम्स की विद अन अकेडमी आइकॉनिक कोर्स सो यूज कोड पीली टेन एंड सेव मनी सो इसी नोट के साथ ये गॉड ब्लैस तो फाइनली यार बात में आ जाती है कि इस्लाम फोबिया जो है आ, इसका पत्ता हर जगह तो नहीं चलता अब जो लोग कश्मीर के ऊपर बेसिकली बात हो रही है तो कश्मीर में जो बेसिकली आ, अब यहाँ पर मेन जो कार्ड है वो ये चलाया जाता है कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है अब कितना जुल्म हो रहा है ये तो वहाँ जाके ही आइडिया हो सकता है क्योंकि मैं न्यूज़ मीडिया के ऊपर तो बिलीव नहीं करती क्योंकि मीडिया हमेशा वही दिखाती है जहाँ से उनको कुछ मिल रहा होता है ठीक है तो खैर मीडिया के ऊपर मैं बिलीव नहीं करती लेकिन हाँ कश्मीर में क्या हो रहा है ये मुझे भी एक्यूरेट नहीं पता लेकिन सुनने में हमेशा हर किसी से भी अगर हम किसी से डिस्कशन करते हैं वो वो यही बताते हैं कि भाई कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है किसी को मार दिया किसी कर्तन काट दी ये वो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं समय मुझे भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप इतना वो बात इंडिया की सपोर्ट कर रहे हो तो इंडिया को इतना कर रहे हो तो, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि देखो मैं सिर्फ वो चीज़ जो मुझे सच दिख रहा होता है रियलिटी दिख रही होती है मैं उसको ही फॉलो फो, करती हूँ बजाय इसके कि मैं किसी कंट्री का साथ दूँ और बाकी अगर रही इस्लाम फोबिया की बात तो भाई इस्लामाबाद में जो ये इजलास हुआ है तो इसमें अभी इनकी कोशिश है कि थ्री थ्री सेवेंटी दोबारा से लग जाए या फिर कश्मीर का मुद्दा जो है वो हाईलाइट हो अब इसमें एक चीज़ हो सकती है कि इस टाइम पर जब इमरान खान वैसे ही इतना मुश्किल में घेरे हुए हैं तो उस टाइम पर इस तरह की मीटिंग करने का मकसद क्या बनता है मुझे तो यही लगता है कि भाई इमरान खान जो है अभी इनकी सीट जाने वाली है इनके साथ जो इनके लोग थे इनके पार्टनर थे उन्होंने इनके साथ कर लिया चीट तो अब ये शायद कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये कार्ड खेल के कश्मीर कार्ड तो शायद मैं आगे निकल आऊँ लेकिन जहाँ तक मुझे चांस लग रहे हैं इमरान खान शायद नहीं बच पाएंगे अब यहाँ पर पार्टी में और इनका पत्ता कट चुका है और अब मुझे जैसे उनके अपने ही लोगों ने उनको धोखा दे दिया और उनको छोड़कर चले गए दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर लिया क्योंकि उनको भी पता है इमरान खान के अब चांस तो है नहीं तो हमने इनके साथ रहकर हम अपना क्यों आगे से वो आने वाला वक्त देख रहे हैं अपना जाहिर सी बात इस वक्त हर कोई यही चीज देख रहा है और पॉलिटिक्स में एक्चुअली होता ही है, यही है। कि हर कोई अपने बारे में सोच रहा होता है और आने वाले वक्त के बारे में कोई पॉलिटिक्स में किसी का सगा नहीं है जब ये खुद के सगे नहीं है तो फिर तो दूसरों के कैसे होंगे और आम पब्लिक के कैसे सगे हो सकते हैं तो ये सोचने की बात है तो कश्मीर का कार्ड भी मुझे यही लग रहा है कि इसी वजह से ये कार्ड खेला जा रहा है क्योंकि इनको लग रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है कश्मीर पाकिस्तानी अवाम इसी कार्ड में ही जो है वो मिल जाएगी और सपोर्ट करेंगी तो खैर आपका क्या कहना है आपको क्या लगता है ये तो आप मुझे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पीरियंस